नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शर्मा और आज मैं आपको लेके आया हूँ थावला के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पर नसबंदी शिविर का आयोजन रखा गया है। वैसे मैं आपको जानकारी दूँ कि हर महीने की 27 तारीख को यहाँ पर नसबंदी शिविर रखा जाता है और उसमें जो महिलाएं होती है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है, फिर उनका स्वास्थ्य जाँच होता है। यहाँ पर एक मेड़ता की स्पेशल टीम भी आती है, स्थानीय डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, ये भी यहाँ पर सेवक के रूप में रहते हैं। सभी मिलकर इस शिविर का आयोजन रखते हैं और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उनका पूरी तरह से स्वास्थ्य जांच किया जाता है। जो 100% सही पाए जाते हैं उनका ऑपरेशन किया जाता है और जिनमें कुछ कमियां रहती है, जैसे खून की कमी है या और कोई कमी होती है, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनको फिर अगले शिविर में चांस दिया जाता है। तो आइए बात करेंगे, अभी यहाँ पर UR बिंद्रा साहब हैं जो एक सर्जन है, मेहता सिटी से आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि शिविर के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर मुस्कान सोनी हैं उनसे भी बात करेंगे, यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनसे भी बात करेंगे और आपको कुछ नज़ारे भी दिखाने वाला हूँ। थावला कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मौजूद डॉक्टर मुस्कान सोनी ने बताया कि नसबंदी शिविर में कुल 24 महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें से 2 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया। शिविर में मौजूद चिकित्सकों ने बताया कि स्वास्थ्य जांच के बाद ही नसबंदी का ऑपरेशन किया जाता है। शिविर में थावला सहित आसपास क्षेत्र की महिलाएं ऑपरेशन के लिए पहुंची। शिविर में मेड़ता सिटी से डॉक्टर रविंद्र कुमार कंवर, एनेस्थीसिया डॉक्टर UR बिंदास, सर्जन NS फर्स्ट गणेश व्यास, डॉक्टर मुस्कान सोनी, ANM सुमन चौधरी, सीमा कुमारी, गिरीशा तंवर, लता शर्मा और भारती शर्मा सहित चिकित्सा विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मैं डॉक्टर मुस्कान सोनी, मेडिकल ऑफिसर CHC थावला। आज यहाँ पर 27 तारीख को एक LS कैंप का आयोजन किया गया है। ये कैंप हर महीने की 27 तारीख को यहाँ पर होता है, जिसमें जो महिलाएं जो नसबंदी कराना चाहती है उनकी नसबंदी की जाती है। इसमें हमारी जो टीम है वो मेड़ता से आती है, जिसमें जो सर्जन है उनका नाम है डॉक्टर UR बिंदा, वो यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनकी नसबंदी करते हैं, और एनेस्थीजियोलॉजिस्ट जो है उनका नाम है डॉक्टर कैलाश चौधरी, वो एनेस्थीजिया देते हैं यहाँ पे। तो जो भी महिलाएं हैं वो यहाँ पे आके 27 तारीख को, हर महीने की 27 तारीख को अपनी नसबंदी करा सकती है। आज हमारे यहाँ पर जैसे 24 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उनकी आज नसबंदी की जाएगी। हर महीने की 27 तारीख को लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन का कैंप महिला नसबंदी शिविर थावला CHC पे लगाया जाता है। उसके लिए टीम CHC मेड़ता सिटी नागौर से कैंप करने के लिए आती है। सुबह 10 बजे टीम यहाँ पहुँच जाती है। पूरे दिन कैंप का कार्यक्रम चलता है और जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं, कैसे जो आते हैं सर्जरी के लिए, उनका सारे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में उनकी सर्जरी की जाती है और सर्जरी के बाद में उनको एडमिट कर लिया जाता है और फिर फॉलोअप में देख के डिस्चार्ज कर दिया। सर, जिनको रिजेक्ट किया जाता है तो उनको दोबारा, अगर कोई फिट नहीं होते हैं, फिट नहीं होने के कई कारण होते हैं, लेबोरेटरी में फिट नहीं हो, जैसे कि खून की कमी हो उसकी वजह से हो, या किसी के एनेस्थीसिया में कार्डियक प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, तो उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और नेक्स्ट कैंप के लिए एडवाइस कर देते हैं। ट्रीटमेंट लेने के बाद नेक्स्ट कैंप में आ जाते हैं, नेक्स्ट कैंप में ऑपरेट हो जाते हैं। आज जो 24 रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो उनमें से भी कोई रिजेक्ट है? नहीं, अभी तक तो कोई रिजेक्ट नहीं है। 24 में से 2 तो अपनी वजह से, वो एक तो UPT प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी, इस वजह से उनको भेज दिया 24 में से। एक के घर में कोई घरवालों के एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद चली गई है। बाकी 22 में अभी तक कोई रिजेक्ट नहीं है, बाकी PSC हो रही है। अपना पूरा परिचय होगा तो अपना परिचय दे सकते? मैं डॉक्टर UR बिंदा, सर्जन CHC मेड़ता सिटी। आज 27 दिसंबर को थावला CHC पर महिला नसबंदी कैंप रखा गया है परिवार कल्याण का। उसमें 24 महिलाओं ने अपना पंजीकरण कराया था। 2 का अस्वस्थ होने के कारण केस रिजेक्ट हो गया, बाकी 22 केस हैं जो फिट हैं, और उनके लिए मेड़ता सिटी से डॉक्टर UR बिंदा आए हैं जो ऑपरेशन करेंगे। बाकी सारी व्यवस्था है दुरुस्त, बहुत अच्छी, धन्यवाद।